में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ मीठा लेकर आई हूँ। खीर तो आपने बहुत खाई होगी, पर आज मैं आपके लिए कुछ अलग तरीके की खीर बनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मटर छेमी की खीर। तो चलिए इसकी इंग्रेडिएंट्स हम लोग देख लेते हैं। हमने 1 kg दूध ले लिया है। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने क्रश करके रख लिए हैं, जो गार्निशिंग में हम लोग यूज करेंगे। ये लगभग 300 से 400 ग्राम मटर छेमी है, जिसे हमने बॉईल करके रख लिया है। 2 tablespoon घी, ये लगभग 150 ग्राम शुगर है, ये 2 हरी इलायची हमने ले ली है। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ये मटर छेमी, जिसे हमने बॉईल करके रख लिया है, इसको मिक्सर में ग्राइंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने मिक्सर में ग्राइंड करके मटर का एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट है। आप भी आराम से इसे ग्राइंड कर लें। अगर ग्राइंड अच्छे तरीके से ना हो तो थोड़ा पानी या दूध डालकर भी एक स्मूथ सा पेस्ट बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने गैस पर एक पैन ले लिया है। पैन में हम ये घी डालेंगे। घी जैसे ही मेल्ट हो जाए, उसमें हम ये हरी इलायची खोल कर डालेंगे इस तरीके से। आप इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम ये मटर का पेस्ट डालेंगे। इसे भूनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बिल्कुल 3 से 4 मिनट में भून जाती है। फ्लेम मीडियम ही रखें, हाई ना करें। दोस्तों, हमें भूनते हुए 4 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से भुना गया है। पैन में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, मतलब अच्छे तरीके से ये भुना गया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स इस तरीके से, ऐसे आप दबा दबा कर करें, ताकि कोई भी लम्स ना रह जाए। इस तरीके से दबा दबा कर अच्छे तरीके से इसे मिक्स करते हुए चलाते रहना है। लगभग 5 मिनट आप चलाते रहें, फिर आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ताकि धीरे धीरे फिर वो खुद से पकना स्टार्ट हो जाएगा। और बीच बीच में इसे चलाते रहना है, ढकना नहीं है, बस बीच बीच में हमें देखते रहना है और चलाते रहना है। 15 मिनट हो गए हैं। मैंने इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था, और बीच बीच में मैं चलाकर चेक कर रही थी। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी, ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। दोस्तों, आधे घंटे हो गए हैं हमें इसे पकाते हुए। स्टार्टिंग के 15 मिनट हमने इसे लो फ्लेम पर पकाया था, और फिर हमने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए, खीर लगभग गाढ़ी हो गई है। अब हमें इसे थोड़ी देर और पकाना है, और इसे कंटिन्यूअस हम चलाते रहेंगे, क्योंकि अब ये खीर गाढ़ी हो गई है, नीचे ये पैन में ना लग जाए, इसलिए लगभग 10 मिनट और लगेंगे, ये खीर बनकर तैयार हो जाएगी।
और गाढ़ी हम इसे कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। हमने इसे 10 मिनट और पका लिया। ये देखिए अब हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और फिर इसमें शुगर ऐड करेंगे, क्योंकि गर्म में शुगर ऐड करने से दूध फटने के चांसेस होते हैं। ये देखिए मैं इसे लाइट मीठा ही बनाना प्रेफर करती हूँ। आप अगर चाहे तो ज्यादा शुगर का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद हो तो। इस तरीके से इसे मिक्स कर ले। फ्रेंड्स, हमने इसमें मावे का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है, मगर यकीन जानिए आप इसे खाएंगे तो ये बिल्कुल मावे वाली खीर आपको लगेगी। ये देखिए इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर ले। चीनी इसमें बिल्कुल डिसॉल्व हो जानी चाहिए। इसमें अब लास्ट में हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर ले। अब इसे फ्रिज में रखकर ठंडा कर ले और फिर इसे सर्व करें। फ्रेंड्स, हमारी लजीज मटर की खीर बनकर तैयार हो चुकी है। इसे आप जरूर से ट्राई करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।